और इसी बीच अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के नवादा पहुंचेंगे चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए। और पिछले चार दिनों की अगर हम बात करें तो ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी बिहार का रुख कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चार दिन में पीएम का दूसरा बिहार दौरा। एनडीए के कई दल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले भी चिराग पासवान जो है अपनी खुशी व्यक्त कर चुके हैं जब जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे हैं। साथ ही बिहार में बीजेपी का 40 का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए मिशन 40 पर वो जुटी हुई है। एनडीए 400 पार का नारा दे रही है। एनडीए को क्या टक्कर दे पाएगा इंडी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें बिहार में लगातार खलबली पीएम मोदी के पहुंचने से पहले मची हुई है। और नवादा में रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, बिहार में एनडीए की भारी लहर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रखे गए। आज परिवार जनों से मिलने का सौभाग्य है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, बिहार में एक बार फिर भाजपा एनडीए की भारी लहर देखने को मिल रही है। आज नवादा की जनसभा में मतदाताओं को लेकर उत्साहित और अपने परिजनों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर चिराग पासवान ने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। चिराग पासवान ये कहते नजर आए कि डबल इंजन की सरकार से विकास हो रहा है, बिहार में विकास की बयार नजर आ रही है। आपको जानकारी दें कि चिराग पासवान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आने वाले हैं। पिछली रैली में आपने देखी थी जब चिराग पासवान उस रैली में मौजूद थे, मंच पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मोदी की गारंटी पे ना सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पर मैं जा रहा हूँ, मेरे साथी मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे, उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे। और एक और बड़ी खबर, रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर बड़ा हमला, 2 करोड़ नौकरियों के इंतजार में हैं लोग, खातों में 15 लाख आने का भी इंतजार है, रोहिणी आचार्य कह रही हैं। सारण में चीनी मिल के वादे का क्या हुआ? रोहिणी आचार्य जिनको पिछले दिनों आरजेडी ने टिकट दिया, लालू यादव की छोटी बेटी है, और उसके बाद से सारण सीट और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी है बीजेपी से, तो वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य। तो जाके जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको कोई टक्कर में नहीं है, बताएगा जनता उनको, सब हवा हवाई हवाई में रह जाएंगे वो, तो उसमें हम क्या करें? परिवार वाले जाएंगे, बेटा बेटी दामाद सब जाएगा, लोग उनका इंतजार करेगा, परिवारी लोग। हाँ, पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है, तो जनता को जवाब दें क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, वो इंतजार कर रहा है जनता, उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी का शराब से शीश महल अभियान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शीश महल अभियान को लेकर यहां पर निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी लगातार उग्र होती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी आक्रामक है, प्रदर्शन कर रही है, शीश महल का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि इतना बड़ा महल जो तैयार किया वो शराब घोटाला करके ही तैयार किया। यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि आपको बता दें आम आदमी पार्टी के भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक दिन के सामूहिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं, वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है,
दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है। हिम्मत अरविंद केजरीवाल में? दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल है। तो बीजेपी एक तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जानकारी यह भी है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के साथ उपवास भी रखा है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इन्होंने उपवास रखा है और केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को 15 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच आज उपवास रखेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। जंतर मंतर पर प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी के नेता उपवास रखेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ये सभी लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं और वहीं पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, बार बार उनकी गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं। वहीं पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर देश के कोने कोने में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज दिल्ली में एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह एक पूरी तरह से तानाशाही का माहौल है, किस तरह तानाशाही के तहत और एक पूरे साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को एक पूरे फर्जी मुकदमे में बिना कोई सबूत के मोदी जी ने ठीक लोकसभा चुनाव के पहले बंद कर दिया। तो केजरीवाल जी का कसूर क्या था? उन्होंने तो केवल अच्छी शिक्षा के ऊपर काम करते थे, स्वास्थ्य सेवा के लिए काम करते थे, फ्री बिजली पानी पहुंचाते थे, लेकिन मोदी जी को ये पसंद नहीं आया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी अनशन करने जा रही है। एक मिनट की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता आज जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया प्लान बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास करेंगे। आप नेताओं, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो लोग अपने शहरों या गांवों में सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे वे घर पर ही उपवास करेंगे। भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी हमारे नेता की भलाई और जल्दी रिहाई के लिए उपवास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टीएमसी सरकार पर पीएम मोदी का हमला, कहा बंगाल के लोग टीएमसी के करप्शन से उबे, टीएमसी सरकार के सुशासन से लोग नाराज हैं। पीएम की बिहार में रैली को लेकर बोले सम्राट चौधरी, कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार, ये बिहार का सौभाग्य, 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा किया। लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर बोले सम्राट चौधरी, कहा यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा, अगर कोई निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं। ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया? मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं।